सिर्फ मैं इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो मोड़ रहा हूँ ताकि बिल्कुल कागज़ आपको ठीक से दिखाई दे जाए। ठीक है, ये कर दिया। अब हमने मान लीजिए इसको ऐसे मोड़ा बीच में से, इस तरह से मोड़ा, एक नीली लाइन को दूसरी नीली लाइन के ऊपर बिल्कुल बराबर रख दिया। तो ये बीच में जो लाइन बनी ये क्या है? विभाजक। विभाजक मतलब जो दो भागों में बांटे किस चीज को, या तो इसको बांट सकती है दो भागों में या कोण को, किसको? अब थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं कि ये क्या, द्विभाजक तो हो गया लेकिन कोण का द्विभाजक है। ये पूरी जगह थी, इसको दो बराबर भागों में बांटा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर। ये सबसे पहले हमें दिखाना चाहिए द्विभाजक पढ़ाने के पहले। हम लोग पहले बोर्ड पे द्विभाजक कर देते हैं, बोर्ड में नहीं हाथों में करना पड़ेगा, एक साधारण कागज से करना पड़ेगा, A4 शीट से करना पड़ेगा, तब द्विभाजक चमकता है। फिर जैसे ये कोण है वैसे बाकी कोण भी हैं, उनका भी कर दिया। अगर ये वाले कोण का द्विभाजक करने के लिए ये लाइन को इस लाइन पे रख दिया, ये दूसरे कोण का द्विभाजक हो गया। आप क्या पाएंगे कि दो लाइनें हैं एक पॉइंट पर तो मिलेंगी, इस पॉइंट पर इसको क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। किस चीज का मध्य केंद्र है? त्रिकोण का। क्या खास बात है इसकी? एक तो ये इससे प्रमेय सिद्ध नहीं कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वी कैन शो नॉट प्रूव दैट इस वाले एंगल का भी अगर हमने द्विभाजक करा तो इसी पॉइंट से निकल के जाएगा। देख लीजिए, विश्वास ना हो तो देख लें, इसको भी हमने ऐसे एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर अगर हमने फोल्ड करा तो ये देखिए, ये जो लाइन आती है ये देखिए, ये भी उसी पॉइंट से निकल कर गई, ये वाली, ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास होती हैं, इसीलिए इसको मध्य केंद्र बोलते हैं। मध्य बिंदु इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से अगर हमने कोई गोला बनाया, यहीं से एक ऐसा गोला बन सकता है जो तीनों भुजाओं को छू कर जाएगा एक ही पॉइंट पर। गोले तो बहुत बना सकते हैं, इन सेंटर अंग्रेजी में और मध्य बिंदु हिंदी में कहते हैं। बस यही पॉइंट हमें निकालना था। जब ये पॉइंट निकल गया तो उल्टा करने के बाद हमने इसको जो इसके एंगल बाइसेक्टर्स थे उस तरह से बीच के पॉइंट तक मोड़ दिया। तो ये हमारे तीन एंगल बाइसेक्टर पर बीच तक मोड़ा, तो ये हमारी कुछ स्थिति हो गई। ऐसे फली बनती है ना, जैसे तीन फलियां बन गई, और अब इसको एक के ऊपर एक रख देते हैं। ये वाली इसके ऊपर रख दी तो देखिए सीधी लाइन हो गई, और फिर दूसरे वाली भी इसी के ऊपर रख दी। और अब आप ये पाएंगे, और अगर लाइनें भी खींचें तो बिल्कुल साफ पाएंगे कि ये वाली लाइन तीनों लाइनें, और ये जो लाइन है ये दिखती है, ये वाली इतनी लंबाई इन सेंटर है, ये एक गोला होगा। देखिए तीनों लाइनों को यहां से अगर करें तो बराबर है तीनों लाइनें, तो क्योंकि रेडियस एक सर्कल है तो उसका रेडियस बराबर ही होगा, उसकी त्रिज्या बराबर होगी। तो यहां पर हमने इसको सीधी एक बार में एक दिशा में काट दिया, और ये पूरा कोण बाहर आ गया। ठीक है, और उसने एरिक डिमेन ने क्या कहा कि ना सिर्फ त्रिकोण बल्कि चौकोण, पंचकोण, षटकोण, या फिर ये आकृति, मैंने हाथी बनाने की कोशिश करी थी पता नहीं क्या बन गया, बट कोई भी ऐसी क्लोज्ड शेप यानी बंद आकृति जो कि लाइनों से बनी हो, आप एक बार में
एक दिशा में काटकर बाहर निकाल सकते हैं। जब उसने ऐसा करा तो MIT ने कहा वो सब छोड़ो, हमारे यहाँ के पढ़ाओ।